क्या नाम है भैया आपका? आलोक। कहाँ के रहने वाले? इंदौरी, कवर्धा जिला। ये अभी आप यहाँ पर कब से एडमिट है? संडे से। क्या प्रॉब्लम था, समस्या? फीवर, तेज फीवर था। और हेडेक था। और चल नहीं पा रहा था। चल नहीं पा रहे थे, फीवर था, तेज हेडेक था, चल नहीं पा रहे थे, संडे थे। तो ये आपको फीवर कब से आना हुआ? चलू फ्राइडे शाम। फ्राइडे शाम को। और तो ये आपको इंदौरी से फीवर आया? हाँ। और उसके पहले कहाँ पे थे? शाम में वहाँ ट्रेवल करके आया था। वहाँ से कहाँ से? अहमदाबाद से ट्रेवल करते हुए थे। कानपुर। कानपुर में कब तक थे? कानपुर में कितना तो तारीख तारीख बताइए। 22 को मैं अहमदाबाद से निकला था। 22 को अहमदाबाद से। 23 को मैं यूपी पहुँचा। 23 को यूपी पहुँचे। फिर कानपुर से थोड़े दूर पे मेरा दोस्त का रूम था, वहाँ फिर वहाँ से 30 को मतलब कानपुर में 30 तारीख तक थे। फिर यहाँ पे अपने इंदौरी में आए 1 तारीख को। 30 को मैं निकला। 30 को निकले। फिर शाम को, जैसे शाम को पहुँचे फिर बुखार आना चालू हुआ। मतलब कानपुर में आप 30 तारीख तक थे, 1 तारीख को यहाँ पर आए, फिर 1 तारीख को बुखार आया, यही ना? घर में और किसी को भी बुखार हुआ? आप ही को बस बुखार है? तो ये कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर आप एडमिट हैं? कमला क्लिनिक कवर्धा। तो यहाँ पे एडमिट थे, उस दिन के बाद से सुधार हुआ? काफ़ी सुधार हुआ है इसमें, ठीक है। और इसके बारे में आप बताएं, आपका जो रिपोर्ट देखने को मिला उसमें डेंगू बताएं, है ना? डेंगू के बारे में आप जानते थे पहले? सुने थे। तो रोकथाम के बारे में? डिटेल्स में नहीं, थोड़ा बहुत जानते थे कैसे होता है, कौन सी मच्छर काटने से होते हैं। ठीक है, आपको एक पॉम्पलेट दिए, दिखाओ पॉम्पलेट को, ठीक है ना? इसमें मलेरिया, डेंगू, मलेरिया मतलब मच्छर के द्वारा होने वाली बीमारी के बारे में इसमें दिया गया है ना? इसमें कैसे हमको रोकथाम करना है, आसपास कैसे साफ सफाई पे ध्यान देना है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। मच्छरदानी भी अभी हम लोग आपको दिए हैं, है ना? ये मच्छरदानी क्यों दिए हैं? मच्छर से बचने के लिए, है ना? क्योंकि ये बीमारी जो है मच्छर के द्वारा है, हमको मच्छरदानी लगा के इसको इस्तेमाल करना है, ताकि हम लोग मच्छरों से वाली बीमारी से बच सके ना, साथ साथ दूसरे को भी इसमें हमको प्रेरित करना है। तो ये मच्छरदानी का रोजाना इस्तेमाल कीजिएगा, जब भी आप बिस्तर में सोने जाते हैं, है ना, चाहे दिन हो या फिर शाम का रात का समय हो, मच्छरदानी का इस्तेमाल लगातार करना है, है ना? इससे क्या होगा? मच्छर नहीं काटेगा तो बीमारी नहीं फैल पाएगी, दूसरे तक के नहीं जा पाएगी, है ना? क्योंकि क्या, मच्छर जैसे किसी को काट दिया, जैसे आपको काटा, आपके द्वारा किसी और को काटा, दूसरे में होने की संभावना रहती है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं, है ना? इसी कारण से लगातार हमको मच्छरदानी का उपयोग करना है। साथ साथ उसमें पढ़ो क्या लिखे, एक दो लाइन पढ़ के बताइए। अच्छा ये बताओ, आप अहमदाबाद और कानपुर किस काम से गए थे? अहमदाबाद में रहते हैं। अच्छा, घर यहाँ पर है अहमदाबाद में, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा। क्या तैयारी करते हैं? मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं अहमदाबाद में। यहाँ पर घर है तो यहाँ पे आए हैं आप, ठीक है। उसके बाद कानपुर में रुके थे। कानपुर किस काम से रुके थे? 22 से 30 तारीख तक। अच्छा, दोस्त रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर स्टे किए थे। ओके, ठीक है। उसमें एक हाथ लाइन पढ़ के बताइए, रोकथाम के बारे में लिखा हुआ है। हाँ पढ़ो। मच्छरों को अपने घरों में ना आने से, किसी दरवाजे और खिड़कियों पर जाने लगा। हाँ सोते समय मच्छरदानी। हाँ सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, है ना? मच्छर अधिकतर घुटनों, टांगों, गर्दन, कानों के पास काटता है, हमको तो पूरी तरह ढक कर रखता है। घरों के छतों में आसपास पड़े अनावश्यक पात्र पानी जमा ना होने, ऐसे पात्र को नष्ट करते हैं।
पानी की टंकियों कूलरों पानी के पात्र टायरों गमलों में पानी जमा होने ना दें तो प्रति सप्ताह खाली करके सूखा दें। पीने के पानी के बर्तन को ढक कर रखें। ठीक है ना, बाकी और रोकथाम लिखा है इसका पढ़ के फॉलोअप करना है। ठीक है, फिर क्या एक तरीके का हमारा रोकथाम का है, ऐसे हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग मलेरिया डेंगू फालेरिया जितनी भी मच्छर सुनल बीमारी उसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर हमारे आसपास ही पनपते हैं जिसको लोग अनदेखा कर देते हैं। पानी जमा हुआ है छोड़ो, फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर मच्छर अंडा देने लग जाता है ना, तो हमारे घर के आसपास ही सारा कुछ होता है। तो ये क्या है, हमको पूरा जन समुदाय को मिलकर काम करना, अकेला एक स्वास्थ्य विभाग प्रशासन नगर पालिका ये सब नहीं कर पाएंगे, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी कि हम लोग घर के आसपास साफ सुथरा रखें, है ना। ठीक है।